हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 तथा महत्तम समापवर्त्य 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास क्या है, एलसीएम जो है वो कितना है 1920, और एचसीएफ जो है वो कितना दिया हुआ है 16। दो संख्याओं का जो है एलसीएम हमारे पास है 1920, और इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है 16, और इनमें से एक संख्या हमें दी हुई है कितनी है 128, हमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है, यानी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। क्या होती है, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। क्या है हमारे पास, एलसीएम हमारे पास है 1920 और एचसीएफ हमारे पास कितना है 16। इसके बाद फर्स्ट संख्या हमारे पास दी हुई है कि एक संख्या हमारे पास कितनी है 128, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, हम इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 1920 मल्टीप्लाई 16, और ये 128 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अब हमें इसे काट देना है, काटेंगे तो कहां पर गया, ये 16 8 128, और यहां पे इसे काटेंगे 8 2 16 3 2 8 4 32, कितना आ गया 240, यानी हमारे पास जो दूसरी संख्या आ गई वो कितनी आ गई 240, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इसका लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं जो कि 5:6 के अनुपात में है, और इनका जो हमें एचसीएफ दिया हुआ है कितना है दोस्तों, एचसीएफ एचसीएफ हमें दिया हुआ है इनका 4। हमसे पूछा गया है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले हमें वह दोनों संख्याएं निकालनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का हमें जो भी दिया हुआ है, जैसे हमें एचसीएफ दिया है तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमें एलसीएम दिया होता तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालते। हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, 5 और 6 का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं और छोटी संख्या से क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1, फिर इस संख्या को अंदर रखते हैं और इस संख्या से डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमारे पास HCF कितना आ गया इसका, 1। HCF कितना आ गया, 1।
मैंने आपको एक और तरीका भी सिखाया था कि आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस क्या है हमारे पास, एक, यानी हमारा HCF क्या है दोस्तों, एक। अब हमें क्या करना है, HCF हमारे पास आ गया एक, लेकिन हमें HCF कितना दिया हुआ है, चार। यानी हमें एक का क्या करना है, चार बनाना है, तो क्या करेंगे, चार से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को भी चार से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम पांच को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। यानी पहली जो संख्या है हमारे पास वो कितनी आ गई, 20। और दूसरी संख्या चार को क्या करेंगे, छह से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 24। सेकंड संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 24। अब हमसे पूछा गया है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो अब हमें इनका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है दो पर जा रहा है, तो क्या करेंगे, दो से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 10, यहां से 12, फिर दो पे 5, 6। उसके बाद जो है अलग अलग संख्याएं हैं दोनों, किसी पर भी है समान जो है डिवाइड नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 5 × 6। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 को क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1:2 / 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 है, ये संख्याएं क्या है हमें बताना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1:2 / 3, 1:2 / 3 के अनुपात में जो है संख्याएं हमें दी गई हैं, और इनका HCF हमें दिया हुआ है 12। HCF कितना दिया हुआ है, 12। तो हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, एक। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, एक। संख्या हमारे पास क्या आ गई, समान आ गई, मतलब हमारा जो HCF आया है वो क्या होगा, एक। इसके बाद हमारे पास जो HCF आया है वो कितना आया है, एक, लेकिन हमें जो HCF दिया हुआ है वो कितना है, 12। तो हमें क्या करना होगा, इस एक को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमारा HCF भी 12 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 12, इधर भी 12। तो हमें इन सभी संख्याओं को क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई, इसे भी 12 से, इसे भी 12 से, और इसे भी 12 से। एक को 12 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 12, 2 को 12 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, 3 को 12 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। यानी हमारी संख्याएं क्या आ गई, 12, 24 और 36। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्त्य 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का जो HCF और LCM होता है उनकी मल्टीप्लाई जो होती है वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। फर्स्ट संख्या हमें कितनी दी हुई है, 275, और सेकंड संख्या हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का HCF और दोनों संख्याओं का जो LCM होता है उनकी मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है हमेशा। अब दोस्तों हमें जो है वैल्यू दी हुई है वो इसके अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास HCF कितना दिया हुआ है, 11,
एलसीएम हमारे पास है 7700 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 275। यहां हम मान लेते हैं क्या है x। अब दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई में 7700 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं जिससे कि हमें काटने में आसानी हो जाएगी 70 मल्टीप्लाई 100 और ये 275 जो है इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि इधर क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 275। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x। अब दोस्तों हम इसे काट देंगे 25 पे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 25 चौके 100 और 25 एकम 25 फिर 25 एकम 25 फिर इसे काट देंगे हम इन दोनों को 11 पे। उसके बाद हमारे पास कितना आ गया 70 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी हमें क्या करना है 70 से 4 को मल्टीप्लाई करना है तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 7 से तो हमारे पास आएगा 28। 2 हमारे पास क्या हुआ है हासिल। उसके बाद फिर से 4 को क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है 28 और 2 30 तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 308। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 308 यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम जो है हमें दिया हुआ है कितना है 84। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी हमें बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना है ये जो अनुपात हमें दिया हुआ है ये यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद जो हमें जैसे हमें दिया हुआ है एलसीएम एलसीएम यहाँ पर आपको लिख लेना है कितना है 84। उसके बाद आपको क्या करना है जो भी आपको दिया हो जैसे आपको अगर एलसीएम दिया है तो इन दोनों का क्या निकालना है एलसीएम और अगर आपको एचसीएफ दिया होता तो आपको क्या करना है इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब हमें क्या दिया हुआ है एलसीएम तो हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम होता है दोस्तों 12। कितना होता है 12। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 12 लेकिन हमें जो एलसीएम दिया हुआ है वो कितना है जो असल में जो करेक्ट जो है एलसीएम वो कितना है 84। तो हमें क्या करना होगा 12 का क्या करना है हमें 84 बनाना है तो हमें क्या करना होगा इसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो गया हमारे पास 84। तो अब जो एलसीएम हमारे पास क्या हो गया समान हो गया तो हमने क्या किया है जो हमारे पास एलसीएम आया था उसे क्या किया है 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों संख्याओं को भी हमें क्या करना होगा 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक संख्या आ जाएगी 21 और जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। तो जो बड़ी संख्या क्या आ गई दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी 28 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूरी तरह से भाग हो जाए। हमें बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से भी पूरी तरह से भाग हो जाए 12 से भी पूरी तरह से भाग हो जाए 18 से भी और 24 से भी पूरी तरह से भाग हो जाए यानी हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो इन सब से पूरी तरह से भाग हो जाएगी वो क्या होगी दोस्तों इन सब का एलसीएम। तो इन सब का हमें क्या निकालना है एलसीएम 8 12 18 और 24 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। सबसे पहले जाएगा 2 पर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 9 और 12। इसके बाद फिर से 2 पर हमारे पास कितना आ गया 2 3 9
यहाँ पर 6, इसके बाद हमें फिर से 2 पर 1, 3, 9, 3, इसके बाद 3 पर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3 पर 1, 1, 1 और 1। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इन सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, और 24 को हमें क्या करना है 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया 72। 72 एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो 8 से भी पूरी तरह से भाग हो जाएगी, 12 से भी पूरी तरह से भाग हो जाएगी, 18 से भी और 24 से भी पूरी तरह से भाग हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूरी तरह भाग हो जाए। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें से अगर हम 8 घटाएं तो बाकी बची संख्या जो है वो 16 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए, 18 से भी, 20 से भी और 24 से भी पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो हमें क्या करना है, 16, 18, 20 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 720। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 720। 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम हमारे पास आ गया 720। अब हमसे कहा गया है कि हमें जो है संख्या में से 8 घटाना है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले इस संख्या के अंदर क्या करना है, इसी 8 को जोड़ देना है। हमारे पास कितना आ गया, 728। संख्या हमारे पास आ गई 728। अब हमसे जो पूछा गया था वो कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, यानी 728 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 720। अब 720 हमें पता है कि इन सभी संख्याओं का क्या है, एलसीएम है, एलसीएम है तो ये पूरी तरह से इन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगा, यानी हमारी जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 728। यानी संख्या क्या है हमारे पास, 728। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। हमें क्या करना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जिसे अगर हम 14, 21, 28 और 35 से भाग दें तो हर बार शेष कितना बचना चाहिए, 5। हर बार जो है रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 14, 21, 28 और 35 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 420। एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 420। अब दोस्तों ये 420 जो है वो 14 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 21 से भी, 28 से भी और 35 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमें बचाना है 5 रिमाइंडर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को इसके अंदर प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, 2, 4। यानी 425 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर हम 14 से, 21 से, 28 से और 35 से भाग करते हैं तो हर बार जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 5 बचेगा।